बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में घने जंगलों के बीच एक जादुई गुफा थी। गांव वालों का यह मानना था कि जो भी उस गुफा के पास से जाता था वो मर जाता था, इसलिए डर के मारे वहां कोई भी नहीं जाता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो रोज सुबह उठकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता और शाम को लकड़ियाँ लेकर गाँव आ जाता था। एक दिन रामू लकड़ियां काटने गुफा के पास एक पेड़ पे पहुंचता है। अरे वाह, यह पेड़ तो बहुत अच्छा है, इसकी लकड़ियां तो बहुत अच्छी जलती हैं, इसकी तो सारी लकड़ियां झट से बिक जाएंगी। पर पास में ही वो गुफा भी तो है। पर कोई बात नहीं, मैं कौन सा वहां जा रहा हूँ, मैं फटाफट अपनी लकड़ियां काट लेता हूँ। इतना सोचकर रामू पेड़ से लकड़ियां काटने पेड़ पर चढ़ जाता है और थोड़ी ही देर में लकड़ियां काटते काटते रामू थक जाता है। अरे ये तो बहुत सख्त पेड़ है, ऐसा करता हूं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर थोड़ी देर में काटता हूं इस टहनी को। थकान के मारे रामू को पेड़ पर ही नींद आ जाती है और शाम को अचानक गुफा के पास घोड़ों की आवाजें सुनकर उसकी नींद खुलती है। अरे यार, ये तो शाम हो गई मुझे सोते सोते, और ये सब लोग कौन हैं जो गुफा के पास खड़े हैं। रामू पेड़ पर बैठा बैठा चुपचाप उन लोगों को देखता रहता है। धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। इतना कहते ही गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, और गुफा का दरवाजा उनके जाने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। अरे ये तो शैतानी गुफा है और इसका तो दरवाजा भी है, मैं देखता हूँ ये लोग बाहर कब आते हैं। रामू वहीं पेड़ पर बैठकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगता है और थोड़ी देर बाद उस गुफा से उनके बाहर आने की आवाज आती है और वो सब गुफा से बाहर निकल आते हैं और दरवाजा एक बार फिर पहले की तरह बंद हो जाता है। सब लोगों के चले जाने के बाद रामू पेड़ से नीचे उतर जाता है। मैं भी अंदर जाकर देखता हूं आखिर क्या है इस गुफा के अंदर। नहीं नहीं, मगर अभी नहीं, कहीं वो लौट कर आ गए तो, अगर वो लौट कर आ गए तो मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊँगा उठकर। गांव पहुँचकर रामू पूरी रात ये सोचकर सो नहीं पाता कि आखिर उस गुफा के अंदर क्या है, और सुबह होते ही वो गुफा की तरफ चल देता है और घना जंगल पार कर कर वो गुफा तक पहुँच जाता है। गुफा के पास पहुँचकर रामू वही बात दोहराता है जो उन लोगों ने कही थी, धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। रामू की बात सुनकर गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रामू गुफा के अंदर जाकर देखता है कि चारों तरफ सोने का खजाना बिखरा पड़ा है और हीरे चांदी के ढेर लगे हैं। इतना सारा खजाना देखकर रामू खुश हो जाता है। इतना सारा सोने का भंडार, ये जरूर चोर ही होंगे जो यहाँ सारा खजाना छुपा कर रखते होंगे। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से एक पोटली उठा लेता हूँ, मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, चोरी करना पाप है और ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं निकलता हूँ यहाँ से। रामू गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है। धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। पर दरवाजा नहीं खुलता। रामू बार बार यही बात दोहराता है, अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है, जरूर अंदर से बाहर जाने के लिए कोई और पासवर्ड होगा, अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया है। हाँ
अब मुझे उन्हीं लोगों के दोबारा आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। रामू सोने के भंडार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और उन लोगों के आने का इंतजार करने लगता है। और समय बीतने के साथ वो सब लोग एक बार फिर गुफा के अंदर आते हैं। हमारा सोना सही सलामत है, किसी ने इसे नहीं छेड़ा। चलो अब चलते हैं वापिस। सब सोना चांदी है हमारा, फिर से खोल दो ये दरवाजा। सब लोगों के जाने के बाद रामू भी बोलता है, सोना चांदी सब है हमारा, फिर से खोल दो दरवाजा। दरवाजा एक बार फिर रामू के लिए खुल जाता है और रामू वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है। और गांव पहुंचकर, कल्लू तुझे पता है आज मुझे खजाना मिला, खजाना वो भी बहुत बड़ा, हीरे चांदी सोना जंगल वाली गुफा में। अबे क्या कह रहा है, नशे में तो नहीं है तू सुबह सुबह? रामू कल्लू को पूरे दिन की सारी बात बता देता है कि किस तरह उसे खजाना मिला और किस तरह वो अपनी जान बचा के आया। तू कुछ लाया वहां से, सोना चांदी हीरे? अबे कुछ तो लाया होगा वहां से, एक पोटली ही ले आता। इतने सारे खजाने में से अगर एक पोटली कम हो जाती तो उन्हें क्या खाक पता लगता? नहीं यार, चोरी करना सही नहीं है, इसलिए मैं अब कुछ नहीं लाया और ना ही मैं वहां दोबारा जाऊंगा। अरे चोर के घर में चोरी करना कौन सी गलत बात है, अपना काम बन जाता। अगले दिन कल्लू अकेले ही सुबह सुबह जंगल पार कर गुफा तक पहुंच जाता है। कहीं रामू ने मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, रामू हमेशा सच ही कहता है। धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा, खोल दो दरवाजा। और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। अरे वाह, यह तो सचमुच खुल गया, मुझे खजाना मिलेगा खजाना आज। कल्लू खजाने के लालच में अंदर चला जाता है और इतना सारा खजाना देखकर कल्लू खुश हो जाता है। खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, ये सब खजाना अब मेरा है, मैं सब खजाना ले जाऊंगा, सारा खजाना मेरा है। मैं जल्दी जल्दी सब उठा लेता हूँ। कल्लू बहुत सारा सोना उठा लेता है और दरवाजे के पास पहुंचकर, खजाना खजाना मेरा खजाना, खोल दरवाजा। अरे क्या था बाहर जाने का पासवर्ड, मेरा खजाना तेरा खजाना, खोल दरवाजा। अब तो खोल दरवाजा। खजाने के लालच में कल्लू बाहर आने का पासवर्ड भूल जाता है। सब सोना चांदी है फिर भी जेब खाली है, खुल दरवाजा। आए अब मेरा क्या होगा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा रामू ने क्या बताया था पासवर्ड। इतने में वो सब लोग वहां आ जाते हैं। चोरी करने आया था, वो भी चोर के घर में चोरी, पता है ना इसकी सजा तुझे अब क्या मिलेगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, सोने के लालच में मैं यहाँ आ गया था, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा, मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। अबे आएगा तो तब जब हम तुझे जाने देंगे। इतने में वो कल्लू के ऊपर हथियारों से हमला कर देते हैं और कल्लू को मार डालते हैं। मार डाला रे, जाने दो मुझे, जाने दो। ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर मुश्किल परिस्थितियों में भी हम हिम्मत से काम लें तो हम बड़े से बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। और हमें जिंदगी में किसी दूसरे के धन का लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कहानी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए।
एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।